हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए है। इंडिया ओवरटेक ब्रिटेन टू बिकम द इंडिया वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। ब्रिटेन को ओवरटेक कर लिया है, यानी कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन गया है। इसमें आपका यूएस, यूएस के बाद चाइना, चाइना के बाद जापान, जापान के बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद अल्टीमेटली भारत। ये एक्चुअल में 2019 में भी एक बार ऐसा हुआ था जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था भारत वर्ल्ड की, लेकिन इसके बाद पुनः ब्रिटेन ने अपनी जो पोजीशन है वो रिगेन कर ली थी। विशेषकर कोविड का वो दौर था, लेकिन इसके बाद कोविड के दौरान, कोविड के पहले और कोविड के बाद जो सरकार ने, भारत सरकार ने कदम उठाए, जो रिफॉर्म्स एक्शन लिए, उनका परिणाम अंततः हमें देखने को मिल रहा है और भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यद्यपि ये सही है कि जो यूरोप की अर्थव्यवस्था है, यूरोप की जो इकोनॉमी है, उसमें कहीं ना कहीं रिसेशन देखने को, कहीं ना कहीं हमें उसमें कह सकते हैं कि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत के जो कदम है, भारत के जो स्टेप्स हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, वो नीतियां कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो रही हैं और अल्टीमेटली हम वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ये रिपोर्ट आई है, एक्चुअल में एक अमेरिकी रिपोर्ट है, ये अमेरिकी पत्रिका की एक रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसने लास्ट यानी कि 2022 की जो लास्ट तिमाही थी, मार्च की तिमाही थी, उस तिमाही के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की है। IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो पैमाना होता है, उस पैमाने के आधार पर, और इसके बाद यानी कि उस तिमाही के बाद जो इस वर्ष की पहली तिमाही है, उसमें हमने इस पर्टिकुलर इस जो पोजीशन को और ज्यादा वाइडन किया है, यानी कि और ज्यादा हमने प्रगति की है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आने वाले वर्ष में एक प्रकार से हम वार्षिक रूप से कह सकते हैं कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे। और ये अभी गैप ऐसी आशा की जा रही है कि अभी ब्रिटेन और भारत के बीच गैप बढ़ता ही जाएगा, यानी कि हमारी पोजीशन कहीं ना कहीं स्टेबल हो गई है और हम धीरे धीरे वर्ल्ड्स नंबर थ्री की ओर भी बढ़ रहे हैं। और ये संभावना है कि अगले कुछ वर्षों में जो अगले कुछ वर्षों में जो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो लक्ष्य है भारत का, साथ ही साथ ये भी लक्ष्य है कि हम जो है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तक हम पहुंच सके, तो ये भी पूरा होगा। क्योंकि अभी भी हम यदि पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें, क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर देखें, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। तो इस ये क्या है रिपोर्ट, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये संदर्भ आप यहां पर देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये आवश्यक है, ये आवश्यक है जानना, इसके निहितार्थ भी आवश्यक है जानना, लेकिन अभी चैलेंजेस जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो यदि मैं ये द हिंदू की रिपोर्ट देखूं और पंजाब केसरी की रिपोर्ट देखूं, तो इनके यहां पर सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि विद इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, इट्स लीड ओवर द यूके विल वाइडन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, यानी कि जो इसका बढ़ने का क्रम है वो यूके से कहीं बहुत आगे निकल जाएगा। ये जो गैप है हमारी, और अभी हालांकि नॉमिनल गैप है, इंडिया का जो हमने ब्रिटेन को जो सरपास किया हमने, वो ब्रिटेन को सरपास अभी बहुत ही नॉमिनल कह सकते हैं कि क्वांटिटी में हमने अभी सरपास किया है, लेकिन ये गैप बढ़ता ही जाएगा। इंडिया हैज ओवरटेकन द यूके टू बिकम द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इज नाउ बिहाइंड ओनली द यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका, अमेरिका के बाद चाइना, अभी भी यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसके बाद चाइना, चाइना के बाद जापान, और जापान के बाद जर्मनी, और जर्मनी के बाद अभी तक ब्रिटेन था, लेकिन अब वो स्थान किसने ले लिया है, भारत ने ले लिया है, इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के नाम है जापान, एंड अकॉर्डिंग टू द IMF प्रोजेक्शंस। अभी यदि हम बात करें एक डिकेड पहले, यानी कि लगभग 10 वर्ष पहले की यदि हम बात करें, 2010 के आसपास की बात करें, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 11th पोजीशन पर थी, 11वें नंबर पर थी, यानी कि लगभग 10 वर्षों में हमने जो ये पोजीशन है, 5 से 6 अंकों की पोजीशन हमने बढ़ोतरी की है यहाँ पर। अ डिकेड बैक इंडिया वाज रैंक 11th अमंग द लार्ज इकोनॉमीज व्हाइल द यूके वाज एट द 5th पोजीशन। अब आप समझिए इस चीज को कि हम 11वें नंबर पर थे, एक दशक पहले हम 11वें नंबर पर थे और यूके 5th पोजीशन पर था, और आज हम 5th पोजीशन पर हैं और यूके जो है वो 6th पोजीशन पर है, यानी कि छठवें नंबर पर है।
तो ये आप यहाँ पर कुछ और भी चर्चा में करूंगा, उसके आगे इसके चैलेंजेस, इसकी चुनौतियों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, ये किस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी आप सभी के लिए कुछ और भी गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट, कुछ और भी आप सभी के लिए आपकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप आगे जा रहा है। और इसकी जानकारी, ये जो एक्साइटिंग न्यूज है, वो एक्साइटिंग न्यूज कल यानी कि टीचर्स डे के ओकेजन पर शाम को 6 बजे आपको लाइव इसी चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अनअकैडमी 1 के इस सेशन को ज्वाइन करना आप लोग नहीं भूलेंगे शाम को 6 बजे। तो हम आगे बढ़ते हैं, यदि हम इसके आगे की चर्चा करें तो यदि आप, मैंने जैसा अभी मैंने कहा कि अभी बहुत ही कम गैप है इंडिया और यूके के बीच, जो इंडिया ने सरपास किया है यूके को, यूनाइटेड किंगडम को, ब्रिटेन को, ये अभी बहुत ही नॉमिनल गैप है दोनों के बीच। यहां पर यदि आप देखें तो $854.7 बिलियन मार्च की बात हो रही है, यानी कि लास्ट तिमाही किसकी, लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर 2022 की बात हो रही है कि लास्ट तिमाही में इंडिया की जो जीडीपी थी वो $854.7 बिलियन और यदि हम इसकी बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो $816 बिलियन थी। यानी कि जो गैप है वो गैप बहुत ज्यादा का नहीं है, 854 और 816, तो ये गैप बहुत ज्यादा का नहीं है। लेकिन अभी जो प्रोजेक्शंस हैं, जो अनुमान हैं, जो तरह तरह की रिपोर्ट हैं, और इवन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये भी यही कहती है कि ये गैप अभी बढ़ेगा, यानी कि इंडिया और आगे जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी कि जिस गति से, आप गति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक डिकेड पहले इंडिया की जो पोजीशन थी वर्ल्ड इकोनॉमी में वो 11th नंबर पर थी और ब्रिटेन की 5वें नंबर पर। आज ब्रिटेन हमसे पीछे चला गया 6th पोजीशन पर और हम जो है किस पोजीशन पर आ गए, 5th पोजीशन पर आ गए। तो ये जो गति है ये दर्शाती है कि इंडिया बहुत आगे यानी कि तेज गति से विकास कर रहा है। सो द एजम्पशन ऑफ इंडिया ओवरटेकिंग द यूके बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ बाय ब्लूमबर्ग यूजिंग द IMF डेटाबेस एंड हिस्टोरिक एक्सचेंज रेट। ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कंपेरेटिव स्टडी किया जाता है, वो प्रमुख रूप से दो आधारों पर किया जाता है, एक एक्सचेंज रेट पर यानी कि विनिमय दर के आधार पर, दूसरा क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम पहले भी 3rd नंबर पर थे, 3rd नंबर पर क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर यदि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से तुलना की जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये एक्सचेंज रेट के आधार पर, विनिमय दर के आधार पर भारत जो है किस नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। अभी तक 6वें नंबर पर था लेकिन अब इंडिया ने इसको ओवरटेक कर लिया है और 5वें नंबर पर पुनः पहुंच गया है। 2019 में एक बार भारत 2019 में भारत 5वें नंबर पर आया था, लेकिन कुछ ही समय के लिए था, लेकिन उसके बाद पुनः ब्रिटेन ने रिगेन कर लिया था। लेकिन अब हम पुनः, और ये अनुमान है कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे, अब आगे ही बढ़ेंगे। सो ये जो ये अनुमान लगाया गया है, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के आधार पर एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर के आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है इस ब्लूमबर्ग के अनुसार। और ब्लूमबर्ग ने कहा है कि भारत 6वें से 5वें पोजीशन पर आ गया है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है मार्च तिमाही की यदि हम बात करें, लास्ट मार्च की बात करें, तो $854.7 बिलियन और ब्रिटेन की $816 बिलियन। तो यानी कि जो नॉमिनल कैश पर यानी कि नॉमिनल प्राइस पर एक देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो $854.7 अरब था। इसी अवधि में यूके यानी कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी उसका आकार $816 अरब था। $816 अरब यूनाइटेड किंगडम और 854.7 भारत का। ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है, यानी कि मात्रात्मक कह सकते हैं या इसको मौद्रिक जीडीपी जिसे कहा जाता है, नॉमिनल कैश के आधार पर इसके जीडीपी का कैलकुलेशन किया गया है। सो यहां पर सेम वही चीज मैंने आपको बताई है यहां पर कि अच्छा, एक और चीज, ये जो आंकड़े हैं ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन डन इन US डॉलर्स इंडिया हैज ओवरटेकन द ब्रिटेन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 यानी कि मार्च की बात हो रही है। अब इसके बाद हम जो है अगेन ये आपकी बात, ये 2022-23 और इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया हैज स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया ने
पुनः ये और ग्रोथ जो है उस ग्रोथ को और बढ़ा दिया है, यानी कि जो गैप है वो 854 और 816 का गैप और बढ़ना ही है, यानी कि इंडिया को और आगे ही जाना है, इंडिया को और आगे ही जाना है, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहां पर कुछ और भी रिपोर्ट्स की मैं यहां पर चर्चा करूंगा। एक ये अभी तक जो मैंने आपको चीज यहां पर बताई है, ये प्रमुख रूप से द हिंदू और पंजाब केसरी के न्यूज के अनुसार मैंने बताई है, और इसके साथ साथ मैं एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को लेता हूं, और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज में बहुत ही आप जो प्रमुख रूप से जो इस न्यूज के संबंध में अवेयर या जागरूक होना चाहते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया को हम कह रहे हैं कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, फिफ्थ लार्जेस्ट यानी कि पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, और उस न्यूज में हमारे लिए कुछ चैलेंजेस चुनौतियां बताई गई कि एक्चुअल में क्या ये जो पांचवी अर्थव्यवस्था बनी है, बना है भारत, इससे इससे ब्रिटेन से कंपेयर किया गया है कि आखिरकार ब्रिटेन कुछ मामलों में अभी भी कैसे हमसे आगे। ये बात सही है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ पैमानों पर हमें देखना होगा कि क्या ब्रिटेन से इस आधार पर तुलना करना सही होगा। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेज हैं भारत के सामने इन कंपेरिजन टू ब्रिटेन, इन कंपेरिजन टू ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के तुलना में भारत में कुछ चुनौतियां हैं, और वो बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन ये बात सही है कि उन चुनौतियों के क्रम में ही हम ये धीरे धीरे इतने तेज गति से विकास कर रहे हैं, और वो पुली उन चुनौतियों को भी ओवरकम कर लेंगे, यानी कि उन चुनौतियों को भी सरपास कर जाएंगे। और ये रिपोर्ट कहती है, ये जो रिपोर्ट कहती है ये रिपोर्ट, अच्छा एक और चीज, ये जो अभी न्यूज आई है, कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन देश के प्रधानमंत्री का जो कहना ये है कि भैया हम 2047 तक, 2047 क्यों, क्योंकि 1947 पर हम स्वतंत्र हुए थे 1947 में, और 2047 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इन 100 वर्षों में कम से कम हम अभी डेवलपिंग है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो हम विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था हो जाए। ये एक सपना जो है, ये उस सपने की को साकार करने की दिशा में ही ये एक कह सकते हैं सकारात्मक न्यूज है, बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक न्यूज है। यहां पर यदि आप देखें, थोड़ा समय आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इंडियन इकोनॉमी इज फोरकास्टेड टू बी द फिफ्थ लार्जेस्ट देन यूके बाय 2027। तो यहां पर यानी कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है यूके से कितनी बड़ी हो जाएगी, इसकी यहां पर परिकल्पना की गई है। ये 2027 की बात की गई है, 2027 में यदि देखें तो ये यहां पर आपका यूके की बात की गई है, और यूके यदि आप यहां पर देखें तो एक बार 2019 में नीचे आया था, अभी 2022 में नीचे गया, और 2022 से धीरे धीरे ये नीचे ही रहेगा, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, आप देख सकते हैं 2026-2027 की बात है कि लगभग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को 5 ट्रिलियन, मैं ये कैलकुलेशन की गई है, कैलकुलेशन के आधार पर अभी सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि इंडिया इसी गति से, इसी तेज गति से आगे बढ़ता रहा तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार से ब्रिटेन को सरपास ही करती रहेगी, और ये जो गैप है ये गैप हमारा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां क्या है, इंडिया ओवरटेक्स द यूके एज वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फाइव चार्ट टू पुट दिस इन दिस पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव में, इस संदर्भ में कुछ पांच आपको चार्ट में यहां पर शो करूंगा, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं आपको भी अनुभव होगा, आपको भी इस चीज का पता लगेगा कि आखिरकार ये जो ओवरटेक हमने किया है ये नो डाउट ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन अभी चुनौतियां अनेक हैं, चैलेंजेज अनेक हैं, और वो चैलेंजेज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर देख सकते हैं पॉपुलेशन साइज। भारत, हम इंडिया और ब्रिटेन की तुलना कर रहे हैं कि इंडिया को, ब्रिटेन को सरपास कर लिया इंडिया ने, ब्रिटेन को सरपास कर लिया, हालांकि कई मायनों में हम देखा जाए तो 1947 तक हम ब्रिटेन के ही उपनिवेश थे, और ब्रिटेन का आप समझ सकते हैं कि पूरे लगभग आधे विश्व, आधे से ज्यादा विश्व में साम्राज्य था, लेकिन हम तो 1947 में स्वतंत्र हुए, हम तो चलना सीखे, और आज अभी पूरे 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और हमने उसको ओवरटेक कर लिया। ये सबसे बड़ी चुनौती थी जो हमने इसे अचीव किया है। लेकिन अभी चुनौतियां अनेक है ब्रिटेन की तुलना में, और भी यदि हम कुछ देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन साइज है, हमारी जो जनसंख्या है,
वो ब्रिटेन की जनसंख्या से भी हम तुलना करें, किसी घर में आप सिंपल सी बात समझिए, किसी घर में 20 लोग हैं और वो 6000 कमाते हैं, उस घर में 6000 आता है, और किसी घर में दो लोग हैं और मात्र 5000 आता है, तो उस घर में क्वालिटी क्वालिटी आप रहन सहन का स्तर की बात यदि आप करें तो वहां पर कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। ये बात सही है कि 5000 और 6000 की यदि तुलना करें तो 6000 आगे है, लेकिन एक घर में 20 लोग हैं और एक घर में मात्र दो लोग हैं या चार लोग हैं तो वो 5000 भी उनके लिए काफी है, क्योंकि प्रति व्यक्ति यदि देखा जाए तो 5000 में 2500 आता है, और यदि 20000 में 6 लोगों का देखा जाए, 6000 में 20 लोगों का 6000 में देखा जाए तो कितना रुपए आता है। तो यदि इस आधार पर देखें, दैट मींस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। एज ऑफ 2022 इंडिया हैज अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1.41 बिलियन डॉलर। 2022 में यदि देखें, 2011 में तो 121 करोड़, यदि हम यहां पर अभी देखें तो लगभग 141 करोड़ का अनुमान है कि भारत की पॉपुलेशन है, लेकिन इसी संदर्भ में यदि यूके की देखें तो 68.5 मिलियन डॉलर, 68.5 मिलियन। अब 68.5 मिलियन, दैट मींस लगभग आपका 7 करोड़ की पॉपुलेशन और हमारी 141 करोड़ की पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन जो है 141 करोड़ की, और ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है वो 7 करोड़ की पॉपुलेशन। तो ये तुलना भी, ये चुनौती है हमारे लिए। इन अदर वर्ड्स, इंडिया पॉपुलेशन इज 20 times दैट ऑफ यूके, 20 times दैट ऑफ यूके, एंड आई चार्ट अलोंग साइड सो दिस गैप इज अनलाइकली टू बी ब्रिज्ड इन अ हरी, यानी कि इतना जल्दी ये गैप भरने वाला नहीं है। आप यदि यहां पर देखें तो इंडिया, ये है इंडिया, ये है इंडिया, 1.41 बिलियन की पॉपुलेशन, और ये है ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन, और ये ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है वो यहां पर आप कह सकते हैं कि 6.8, ये जो आपका यहां पर लिखा हुआ है 68.5 मिलियन, यानी कि 7 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन, और हमारी पॉपुलेशन 141 करोड़ की पॉपुलेशन। दूसरा चार्ट में आपको शो करना चाहूंगा, ये भी तुलना करें, ये भी डिफरेंस देखें, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, वही चीज मैंने जो आपको बताई कि एक घर में 6000 रुपए आता है लेकिन खाने वाले 20 लोग हैं, और एक घर में 5000 आता है खाने वाले मात्र दो लोग हैं, तो फिर ये तुलना भी हमें देखना पड़ेगा। ये बात सही है कि वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 5000 से हम आगे 6000 निकल गए, वो 5000 में ही रहा आया, लेकिन ये भी अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये मैं आपको क्रिटिकल एस्पेक्ट भी शो कर रहा हूं कि इन चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। और यदि यहां पर जीडीपी पर कैपिटा यदि आप देखा जाए तो जीडीपी पर कैपिटा कहां की, यूनाइटेड किंगडम की आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी पर कैपिटा, और भारत की जीडीपी पर कैपिटा देखिए, भारत की जीडीपी पर कैपिटा, ये गैप कैसे भरेगा, ये गैप क्या इतना जल्दी भरेगा, शायद नहीं। तो ये गैप भरना हमारे लिए चुनौती होगी, ये गैप भरना हमारे लिए चैलेंज होगा। जीडीपी प्रति व्यक्ति, ये जो यहां पर जीडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है। तीसरा चैलेंज बड़ा देखें आप, शेयर इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी, अति गरीबी, अति गरीबी की यदि कंडीशन देखें तो अति गरीबी की कंडीशन आप देखें यहां पर, ये आप यूनाइटेड किंगडम का देखिए, नॉमिनल बहुत ही कम, बहुत ही कम, और इंडिया का देखिए, हालांकि ये बात सही है कि जो पॉपुलेशन ब्रिटेन की है और जो जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके अनुसार, ब्रिटेन के अनुसार ये भी ज्यादा है, लेकिन जो पॉपुलेशन इंडिया की है और जितनी बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था है उस कंपैरिजन में देखा जाए तो हम बहुत बेहतर हैं। लेकिन यस, वहां की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत कम होने के कारण
बहुत कम होने के कारण वहां का जो रहन सहन का स्तर होगा, वहां पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो बेहतर होगा। लेकिन इसके बावजूद हमने यदि यहां पर यदि आप देखिए 10% से भी कम एक्सट्रीम पॉवर्टी को रखा है, इसका मतलब यह है कि भारत ने इतने वर्षों में, अभी जब 100 साल भी पूरे नहीं हुए स्वतंत्रता के, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इसके बाद यदि चौथा चैलेंज देखें आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, और यदि मानव विकास सूचकांक की बात करें, यदि मानव विकास सूचकांक की बात करें तो आप यदि देखिए यहां पर ये है यूनाइटेड किंगडम, लगभग एक के बराबर, यानी कि यहां का जो मानव विकास सूचकांक है वो लगभग संपूर्ण है। लेकिन भारत का यदि आप देखें तो भारत यहां पर है, अभी मध्य स्तर पर है, अभी मिडिल पोजिशन पर है। लेकिन भारत की अगेन वही चीज कि भारत की जो आबादी है वो आबादी बहुत ज्यादा है, और उसके यदि अनुपात में देखा जाए तो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि अचीव की है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्लस इसके बाद लास्ट यदि देखें तो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य तक पहुंच, सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच, तो यदि यहां पर देखें आप तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम है और ये आपका इंडिया है। इसका मतलब ये जीरो जीरो जो है वर्स्ट को शो करता है और 100 बेस्ट को शो करता है, तो ये आपका लगभग 100 के बराबर है और हम कहां पर है, लगभग 70 के बराबर। तो ये जीरो जो है वर्स्ट यानी कि बहुत खराब स्थिति को शो करता है और 100 जो है बहुत अच्छी की स्थिति को शो करता है, तो हम अगेन, लेकिन हम मोर देन 50% है। इसका मतलब ये है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लगभग हम लोग उस दिशा में हैं कि लगभग सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सके, सार्वभौमिक स्वास्थ्य यूनिवर्सल हेल्थ सभी को प्राप्त हो सके। तो मीन्स कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे जो सुधार, आर्थिक सुधार, और जो इतने सालों से स्वतंत्रता के बाद से जो समय समय पर किए गए प्रयास हैं, हाल ही के कुछ वर्षों में और भी बेहतर किए गए प्रयास हैं, उनके कारण आज भारत इस पायदान पर पहुंचा है। लेकिन अभी चुनौतियां अनेक हैं, उन चैलेंजेस को हमें देख करके, उन चैलेंजेस को उनका एनालिसिस करके और उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, और तब हम बेहतर और भी सही मायने में हमारा जो अर्थव्यवस्था की सही प्रगति कहलाएगी। बट यस, जो भी अभी अचीवमेंट है वो बहुत बेहतर अचीवमेंट है और आगे होपफुली ये जो अचीवमेंट है वो आगे बढ़ता ही रहेगा। सो दैट्स इट, ये आज के इस सेशन में जो मुझे चीजें डिस्कस करनी थी वो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, समय समय पर आप सभी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहते हैं, जो जैसे ये क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए रहेगा, तो ये आप सभी इसके जो तथ्यात्मक चीजें हैं, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस है वो तैयार रखिएगा, विशेषकर एमपीपीएससी के जो मेंस देने जा रहे स्टूडेंट हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के ट्रेडिशनल जो टॉपिक है उनसे करंट से जोड़ करके क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो एनीवे आज के लिए अभी इतना ही, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करना नहीं बोलेंगे। सुबह 7 बजे से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी मेंस की। एमपीपीएससी मेंस में सुबह 7 बजे से पेपर नंबर 2 का पार्ट ए पोर्शन चल रहा है, और इसके अलावा 15 सितंबर से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था का कोर्स शुरू हो रहा है, ये कोर्स लॉन्च हो चुका है ये भी, तो आप लोग इनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अपनी तैयारी के लिए कंप्लीट बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी बैच को ज्वाइन करें, प्री का हो, मेंस का हो, आंसर राइटिंग का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, सब आपके लिए बैचेज हैं। और यदि सब्सक्रिप्शन अभी तक सही सुनिश्चित किया तो प्लस और आइकोनिक में से कोई भी आप सब्सक्रिप्शन इस रेफरल कोड का प्रयोग करके कर सकते हैं। रेफरल कोड याद रखिएगा PANDEY, इनमें से सबसे किफायती 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन है। 10 से 12 हजार रुपए में आप ऑनलाइन आप बेहतर तरीके से घर बैठे और
बेटर क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी डायरेक्ट लिंक भी मेरी एजुकेटर कम्युनिटी पर आपको मिल जाएगी। तो यदि फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाइए और सो एक बार फॉलो जरूर कर लीजिए सभी लोग ये यहाँ पर जा करके। और ये कैटेगरी है एमपीपीएससी, ध्यान रखना है आपको सेलेक्ट करना है एमपीपीएससी की कैटेगरी और फिर मुझे सर्च करना है, मेरे प्लस कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे। फ्री कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रात में 8 बजे एमपी जीके का एमसीक्यू सेशन रहता है बिल्कुल फ्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, मंडे टू सैटरडे। तो ये इस कोड का प्रयोग करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने लिए आइकोनिक सब्सक्रिप्शन, यदि आप मेंटरशिप चाहते हैं तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन को प्रेफर करें, सेम रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसके साथ साथ टेलीग्राम का चैनल, बक्स फाउंटी, एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरी दो क्लासेस इसी यूट्यूब के चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं, एक 12 बजे से, एक शाम को 4 बजे से। एक और चीज, एक और क्लास कल रहेगी 11 बजे से, पटवारी और एमपीपीएससी के जो पंचायती राज की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्लासेस हैं वो सुबह 11 बजे इसी यूट्यूब के चैनल पर प्राप्त करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।